सलाघाटी के काली पुखरी में हूँ। मेरे साथ हैं कामतापुर ऑटोनोमस काउंसिल के चेयरमैन हितेश ब्रह्मन जी, हम लोग उनसे बात करेंगे। धन्यवाद हमारे लाइट ऑफ लाइफ चैनल में। हाँ, मेरी तरफ से लाइफ चैनल में मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और इस चैनल को एक जो भारतीय जो जनता है उसके जो अभाव अभिजोग वो पूरा करे और जनसाधारण के लिए इस चैनल जो मुद्दा है इस लोगों को उसको पूरा से पूरा उज्जवल करने की ये कोशिश करेगी, ये मेरा कामना है। अच्छा, कामतापुर ऑटोनोमस काउंसिल आप लोग को मिला है तो क्या बोलेंगे जनता, उन्हें किस तरह का मतलब काम करना चाहते हैं? हाँ हाँ, ये कामतापुर ऑटोनोमस काउंसिल इसको जो कोच राजवंशी का लोग है, ये जो कामतापुर जो भूमि है उसके बारे में, इसकी जन्मभूमि के लिए ज़्यादा दिन आंदोलन करते हैं। वो भूमि के लिए, इस भूमि को ऐतिहासिक जो कोच राजा है, इस कोच राजा का ये अधिपत्य वो चलते हैं और उसी जगह में एक कोच राजवंशी लोगों का और जो राजनीतिक जो लेन नाइट वो प्राय ख़त्म हुआ है, इसलिए उस इसी जगह को जो कोच राजवंशी लोग इस लड़ाई नहीं है, इस भूमि को उद्धार करने के जो गणतांत्रिक जो अधिकार, इस अधिकार के लिए वो मांग करते हैं और भारत सरकार, असम सरकार और सब कुछ को हम बता दिया है जो इस लोगों को, जो इस लोगों में भूमिपुत्र है और इस भूमिपुत्र के रक्षा के लिए वो थोड़ा भारत सरकार, असम सरकार ये लोगों के लिए जो अच्छा से अच्छा जो अधिकार वो अधिकार देने का हम मांग करते हैं और इसी के बारे में असम सरकार एक आलोचना डिस्कस हुआ है और डिस्कस से जो इसका लोगों को निज भूमि के लिए और सो अधिकार उसको दे दिया है और इसी बारे में हम यही कहते हैं, ये हम पूरा नहीं है जो इसका लोग जो मातृभूमि उसको उद्धार करने के लिए और हम कोशिश करेंगे और इस लोगों के लिए जो भारतीय जो संविधान के जो प्रोटेक्टेड के लिए जो राजनीतिक पॉलिटिकल लैंड राइट प्रोटेक्टेड के लिए हम और जनजाति हम मांग करते हैं और जनजाति के लिए हम और असम सरकार, भारत सरकार को हम डिस्कस होगी और हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी असम के जो कोच राजवंशी लोगों को जनजाति करे। छह जिले हैं ना चार जिले हैं ऑटोनोमस काउंसिल में, तो इस चार जिले में विभिन्न जाति जनगोष्ठी के लोग रहते हैं, तो आप लोग किस तरह से मिलके काम करेंगे? ना, ये तो जो कामतापुर का ये जो हमारे जो राजा महाराजा नर नारायण और शिलारार उसका आदर्श ये है जे उसके राज्यों में सब लोगों को शांति बजाय रखने के लिए सब कुछ को चाहते थे और हम उसी आदर्श से इस इलाका में बहुत जाति धर्म लोगों है उसके एक साथ मिलकर हम काम करते हैं, काम करने के लिए हम कोशिश करते हैं और उसके लोगों को दूसरा जो जाति जनगोष्ठी है उसका लीडर के साथ हम बातचीत करते हैं और मुख्यमंत्री जी को हम बताया तुरंत इस जनजाति को कलिता, नाथजोगी आदिवासी, हिंदी भाषी, बेंगोली सब लोगों को, सब सूत्रधर इस जो इलाका है इसे अंदर में ज़्यादा लोगों है, इस लोगों के लिए कम से कम 5 सीट चाहिए, भरना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को पूरा से पूरा ध्यान दिया और उससे डिस्कस करने कहा जल्दी से जल्दी इस लोगों को और सीट बढ़ाएंगे
और 10 सीट भर कर और 5 सीट को दूसरा दूसरा जो लोगों है उसका हम दे देंगे, और एक साथ काम करना है, एक साथ चलना है और एक से उन्नयन के लिए कोशिश, सब लोगों को कोशिश करते ही नहीं, उसके साथ हम बातचीत करके एक साथ हम जाएंगे। हाँ जी, कामतापुर ऑटोनोमस काउंसिल के चेयरमैन, इन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने वाले सभी जाति जनगोष्ठी के लोगों के साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और उनके अधिकार के लिए नॉमिनेट सीट का भी लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग किया है और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने भी सहानुभूति दिया है। मैं गोपाल प्रसाद, लाइफ टूज लाइफ।